इन जोने हमें से निकाल रही थी इन्ह ना किंगी कहाँ जाते हैं जोने हाँ दुनिया के मनाए था जब जिन्हें परमेश्वर वचन के सर नहीं है परमेश्वर आज्ञा के सर नहीं है अब भजन संहिता 119:11 मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं कि दानी वचन के सर पे है एना ना की दीदी या के माना दाड़ी के तरह इन एकना चिना का ना होगी ना चिना का ना के सारे नहीं है जब इनको बंदी पहन के को आई तो लगभग ही थी 18-20 साल के नौजवान थे कि दुनिया को आप के दानिया किसी ने सीखा हुआ तो उसकी नौजवान होगा पहले थे इनमें कम उम्र होगा पहले थे कि परमेश्वर के लिए मार्गिक धन है और परमेश्वर आज्ञा के लिए मार्गिक धन है एम लेकर कि आप के हो नहीं लोगों को लगा कि नहीं जिधर वे अपना सही था ना अपना गलत था ना ये नहीं तो अपना हो भी ना हो रहा था ना अपने इधर हो रहा था ना ये नहीं हम लोग नहीं लोगों को लगा कि नहीं परमेश्वर ज्ञान संगत के कहीं लगा कि नहीं आया कि मुझे ले अच्छी परमेश्वर ने भोजन के प्रधान के मन में दानियों के प्रति कृपा और दया भर दी परमेश्वर दानियल के इन्हें में खुश जाना कि इन्हीं इनको जो खोजी तरीके ना इनके मन के परिवर्तन ने ना में और दानियल प्रति प्रेम और दया इनको अब नीति वचन 16:7 रखने लिया जब किसी का चाल चलन या हुआ को भावता है तब तो वह उसके शत्रुओं से भी उसका मेल करा देता है जब किसी का चाल चलन या हुआ को भावता है तब तो वह उसके शत्रुओं से भी उसका मेल करा देता है ऐसा कि मेरे दानियल इनको गुलाम बन गया इनको इनको शत्रु बन गया इनको परमेश्वर इनको मन के परिवर्तन लगाए दानिय का प्रति प्रेम और दया है इधर बिता आया कि तुम मेरे ऐसे दानिय दानिय का चैलेंज हर राजा का आशीष आया कि तुम मेरे ऐसे राजा ने आदेश को करना ऐसे नियम जो मुबावा मैं तो दानिय का चैलेंज करना ऐसे नियम डालिया जैसे मैं प्रदेशा विरोध करें परमेश्वर ने आके कह सुनता ना एक ना कि तेरे चैलेंज ना आया कि तूने रे भोजन के प्रधान ने दानियल से कहा मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी में ठहराया है कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा हूँ तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो तब दानिय ने उस मुखिया से जिसको भोजन के प्रधान ने दानिय के लिए मिसाल और जरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था कहा मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच हमारे खाने के लिए साफ पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो राजा जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह से देख और जैसा मुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करें पिता की मेरे अच्छी यदि हमें यह जम्मू के हिंदू के कमजोर लेने के बाद ये तो आले के वो कौन साझा में माने आए थे हिमालय इनका दाइन दानी है चैलेंज करने और एक राजा का सामने रहे जो
कभी लड़ाई में हरा सकते हैं, कौन सा देश के गुलाम में बजेगा इन राजा के पहले पहले जिनको चिंता रहेगी, चिंता रहेगी परमेश्वर हमें हिम्मत है इसको तेजी से करने की। इन गुलामी के टाइम के लिए मेरे का परमेश्वर का सेवा है इसको तेजी से करने एटा जाति को बीच में टाइम के लिए कि परमेश्वर की आराधना करने अरे दिन कितना है दूर को किसी आप को आजाद रहने ना पूरा ऐसे कर गुलाम में बंद हुआ है एंड्रो आप परमेश्वर के काम से रहते हैं अब परमेश्वर का आप को आत्मा होता है आप की और दानी ये का हराम है ना कि आप परमेश्वर का हमेशा सेवा है इस दुनिया में आया तू तो मेरी अच्छी सब मामू क्या उनका भोजन और उनके पीने के लिए थराया हुआ दाग मधु भोजन चुरा कर उनके साथ बात देने का और इनके सारे तीन साल का चुरा मेरे कई दिन और तीन साल बहुत लंबा समय होता है इन तीन सालों में उसके मन में इच्छा हो सकता था कि एक बार तो राजा का खाना खा लेते एक बार तो राजा का दाग मधु पी लेते लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे परमेश्वर के वचनों को जानते थे किसे कहते हैं होम डिसीजन किसे कहते हैं हार लेना इसे कहते हैं अपने निर्णय पर मजबूत होना तो दूल्हा को किसी आबू की उदानी का सिखाव समय इन नौजवान मौके के सिखाव में अच्छी परमेश्वर की जीवन इनका सेवा वाला दुनिया तो कौन होगा सही करना तो कौन होगा गलत करना यहाँ के आबू के नए दुनिया में गलत संगति के आपके बुरे लगते हैं परमेश्वर सेवा है संसार की आपके बुरे लगते हैं इन्हें मैं नहीं कहता हूँ परमेश्वर का हिंदू होता है आपके गुलाब पर लेकर जाए मैं क्या बोलूँ आपके दोस्त के रहे हो आपके के यह तीन पश्चाताप के थे आपके परमेश्वर का हिंदू होता है ये बुद्धि का जन जीवन सर आपके दया करिया आज से आमीन।